क्रिया स्पोर्ट सवार के इस छठे संस्करण के आज के इस आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक श्री प्रवीण कुमार जी, श्री पुनीत गुप्त जी, आदिल सुंदरीवाला जी, महेश भूपति जी, प्रदेश शासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और देश की जानी मानी हमारी खेल जगत की से भी विभूतियां यहां पे प्रमुख विभूतियां यहां मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को इस आयोजन को उत्तर प्रदेश में करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और खेल जगत से जुड़ी इन सभी विभूतियों का जिनमें पीटी उषा जी भी हैं, कर्णा मल्लेश्वरी जी हैं, साइना नेहवाल भी हैं, मोहम्मद शमी को भी हम लोगों ने यहां पे सम्मानित किया है, वे भी हैं, अंजू बॉबी भी हैं, मुजफ्फर इकबाल भी हैं, मेरी कॉम भी हैं, योगेश्वर दत्त भी हैं। इन सभी का मैं जितनी भी खेल घोषणा है उन सभी का मैं हृदय से प्रदेश शासन की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इस वर्ष के लिए चुना है। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का जो अभियान प्रारंभ हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट को से लेकर के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में होने के साथ ही खेलो इंडिया सेंटर आज प्रदेश देश के हर जनपद में स्थापित हो रहे हैं। एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर बनी है, पनपी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के अंदर एक सुखद वातावरण बने, क्योंकि खेल अब यह समय काटने का माध्यम नहीं बल्कि अपने राज्य का अपने देश की स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी अपने सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी सशक्त माध्यम बन चुका है और उद्देश्य उसको प्रोत्साहन इस नई खेल संस्कृति के माध्यम से हम आगे बढ़ा सके अत्यंत आवश्यक था और इस दृष्टि से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके अनुरूप हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किए उसके परिणाम अभी एशियन गेम्स में आप सबको देखने को मिला होगा। देश की आबादी का कुल 16% आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन जब एशियन गेम्स में पदक जीतने की बात आई तो यूपी के खिलाड़ियों ने 25% मेडल जीते हैं। पहले यूपी की आबादी ज्यादा थी, मेडल कम आते थे, आज आबादी कम है, मेडल ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन
इस खेल संस्कृति के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए गए। हम सब जानते हैं अभी यहां पे हमने मोहम्मद शमी को तो सम्मानित किया ही, उनके रिकॉर्ड के साथ ही हम लोगों ने उनके गांव में भी एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की और मुझे अच्छा लगा कि उनसे ज्यादा उनके पिताजी को खुशी हो रही थी क्योंकि इन्होंने प्रदेश के लिए देश के लिए खेला है। एक खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, मेहनत उसकी होती है लेकिन जब खेलता है तो पूरे देश के लिए पूरे समाज के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होती है। पारू चौधरी जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आती है और राज्य के बारे में बोलती है एक ब्रांड होती है, देश के करोड़ों नौजवानों के लिए नई प्रेरणा होती है। इस खेल नीति को बनाने के लिए जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया कि भाई हमारे खिलाड़ी मेडल तो प्राप्त करते हैं, हम दे क्या पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि तीनों लोग यहां पर मौजूद हैं। जब नरेंद्र उपाध्याय को ओलंपिक में स्थान प्राप्त होने के बाद उन्हें हम कैसे राज्य शासन में समाहित करेंगे, तो आज के हमारे जो एडवाइजर हैं उस समय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे श्री अवनीश अवस्थी जी, भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। उस समय के स्पोर्ट्स के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नवनीत सहगल जी यहाँ मौजूद हैं और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे आरपी सिंह जी, जिनको अभी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। इन लोगों ने बहुत अच्छी खेल नीति तैयार की और उस नीति के तहत ऐसे खिलाड़ियों को हम प्रदेश शासन में स्थान दे सके और मुझे प्रसन्नता है एशियन गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों को हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से समायोजन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया और अब तक प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले देश के लिए मेडल जीतने वाले न केवल राज्य के बल्कि देश के हर खिलाड़ी को हम लोगों ने मखनऊ में और पैरालंपिक को मेरठ में बुलाकर के सम्मानित किया था, नगद राशि प्रदेश शासन की तरफ से भी उपलब्ध करवाया। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले सभी प्रदेश भर के खिलाड़ियों को हम लोगों ने वहां बुला करके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया था। उस कार्यक्रम में हम पीटी उषा जी का भी कार्यक्रम चाहते थे लेकिन उनकी पारिवारिक एक समस्या उनके सामने आ गई थी इसलिए उनको वे आ नहीं पाई थी, लेकिन भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस कार्यक्रम में सहभागी बने थे। 10 राजपत्रित अधिकारी अब तक हम लोगों ने ओलंपिक और एशियन गेम्स में जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं देश के लिए प्रदेश में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए और 500 खिलाड़ियों को प्रदेश शासन के विभिन्न दायित्वों में उनको शासकीय नौकरियों में हम लोगों ने अब तक दिया है। राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को अपनी यहां नौकरियों में स्थान दिया। एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी, धनराशि नगद राशि तो उसने दी ही जाती है लेकिन हर गांव में खेल का मैदान बने, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, स्पोर्ट्स हॉस्टल को और स्ट्रेंथन कर सके, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ी एक समय तक खेलता है लेकिन एक समय के बाद वो खेल से बाहर होता है, उसकी उस प्रतिभा उसके उस अनुभव का लाभ समाज लेने में कहीं ना कहीं चूक जाता है। अब हम लोगों ने खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो इंडिया सेंटर जनपद स्तर पर बन रहे हैं, इस बार के बजट में हम लोगों ने व्यवस्था दी है हर विकास खंड स्तर पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना करेंगे और किसी पूर्व अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी को हम कोच के रूप में रख करके उन्हें निश्चित मानदेय देकर के उस विकास खंड के अंदर खिलाड़ियों को एक बेहतरीन खेल का वातावरण देने के लिए उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे और इस कार्रवाई के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था भी कर दी है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बन रहा है और यही नहीं प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए उसका चयन किया है। खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही पहली बार
यह भी व्यवस्था हमने बनाई है, इस कोर्स के लिए निजी अकादमी चलाने वाले लोगों को हम शासन की ओर से प्रोत्साहित करें, सहयोग करेंगे। और यह देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने निजी अकादमी में ही प्रशिक्षण लिया लेकिन शासन उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था। आज हम लोग उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे जिससे अधिक से अधिक खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। जब हम लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया जगत जब इसको प्रोत्साहित करती है, उन्हें एक मंच देती है, तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए और शासन को भी उनके सुझावों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और मुझे प्रसन्नता है, मैं भी वाराणसी से सीधे आ रहा हूँ लेकिन मुझे जब पता लगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है तो मैंने अपनी सहमति दी कि मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में देश की खेल प्रतिभाएं और खेल की खेल जगत से जुड़ी हुई युवतियां आएंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा रहूंगा। और मैं इसीलिए आज यहां पर आया हूं, इन्हें यहां सम्मानित किया गया है, उन सभी खिलाड़ियों को जिन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया आज यहां पर अपने स्पोर्ट्स इवेंट के माध्यम से उन्हें सम्मानित कर रहा है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ खेल और खेल से संबंधित किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और सब कुछ करेगा जो उनकी समाज की और देश की आवश्यकता होगी और हमारी युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।